गाइज वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री चार इलेवन इलेवन। तो आ गई मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके, और टॉपिक तो आपने देखा ही है कि उनकी नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है, क्या वो आपकी वैल्यू करते हैं, उनकी नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है, इसकी रीडिंग होगी। ये रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ रेजोनेट कर जाए। तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। तो क्या वो आपकी वैल्यू करते हैं? तो प्लीज स्पिरिट बताएं जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन की नज़रों में मेरे व्यूअर्स की वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू है उनके पर्सन की नज़रों में मेरे व्यूअर्स की, क्या वैल्यू है? ओह माय गॉड, एक ही कार्ड काफ़ी है मेरे व्यूअर्स, आपको मैं बता देना चाहती हूँ। ये कार्ड सी काफ़ी है, बाकी कार्ड्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी से आप समझ लें कि आपकी वैल्यू उनकी नज़रों में क्या है। फिर भी मैं फॉर्मेलिटी को पूरा करते हुए कि नहीं तो कहेंगे मैम आई और चलती भी बनी, एक बात बता दिया कि मैजिशियन है, बस निकल गई। तो फोर ऑफ कप्स, ओके। तो उनकी नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है प्लीज़ इसे मेरे बता दें कि उनकी नज़रों में मेरे व्यूवर्स की क्या वैल्यू है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, देख सकते हैं गॉड, इसीलिए मैं क्या वैल्यू है मेरे व्यूवर्स की, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की नज़रों में क्या वैल्यू है। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड, ले लेते हैं फैमिली। ओह माय गॉड, द हाई प्रिस्टेस, ओह माय गॉड, मैं कितने कार्ड लूँ, ठीक है। एंड द, मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ एक एक करके कहेंगे मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ। चलिए बॉटम ऑफ द डेक की बात की जाए या फिर इतने सारे कार्ड्स की बात की जाए, तो फिर मैं डेक पे, बॉटम ऑफ द डेक पे बाद में आऊँगी, पहले मैं इतने ही कार्ड्स को आपके सामने कंप्लीट कर लेती हूँ, मीन्स आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे सारे स्टार साइन हैं, यानी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एरिज लियो सेजिटेरियस भी है, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, एंड कैंसर पिसेस स्कॉर्पियो भी, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, एरिज लियो सेजिटेरियस है, और फिक्स साइन वाले भी हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं, तो एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, इतना ध्यान रखें। और लियो हो सकते हैं एंड एक्वेरियस हो सकते हैं। तो उनकी नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक ही कार्ड काफ़ी है, लेकिन सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। यहाँ डेविल भी आए हैं तो भी पॉजिटिव है, अगर डेविल नहीं भी आते हैं, आ गए हैं, इनको सब नेगेटिव कहते हैं, मगर मैं लव रीडिंग में नेगेटिव नहीं मानती हूँ। अगर आपकी तरफ अटैचमेंट ही नहीं होगा तो फिर कहेंगे मेरे पर्सन तो डिटैच रहते हैं, तो उसे प्यार कैसे कहा जाए। अटैचमेंट ही होता है कि सब कुछ इंसान से करवा देता है, और हम अटैचमेंट में ही जुड़े हुए होते हैं, इस अटैचमेंट से हम डिटैचमेंट में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अटैचमेंट है तभी हम मानते हैं कि जो है कोई इंसान मेरी केयर करता है। ये है क्योंकि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, बहुत ही मटेरियलिस्टिक एनर्जी है, इस बात को आप समझे, नहीं तो आप कहेंगे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ अनकंडीशनल लव, अटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट इस हद तक नहीं होना चाहिए कि कोडिपेंडेंसी का शिकार हो जाए, डिप्रेशन का शिकार हो जाए, कहीं ना कहीं डिसऑर्डर का शिकार हो जाए, उस हद तक, यानी आपको पता है किसी भी चीज़ की हदें पार नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है खुद को।
चीनी ज़्यादा हो जाए तो भी वो जहर के समान हो जाता है किसी भी खाने में, और नमक ज़्यादा हो जाए तो ऐसे भी जहर हो जाता है। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। प्यार ज़्यादा हो जाए तो आपको पता है जीना ही हराम हो जाएगा, और प्यार कम हो जाए तो भी पता है कि जीना हराम है। तो कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने एक मैंने एक स्कूल में थी तभी मैं पढ़ती थी कि किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा नहीं। ख़ासतौर से मुझे एक चीज़ याद है अभी तक कि अति सुंदर, किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ, यह संस्कृत में था। तो किसी भी चीज़ की अति नहीं अच्छी होती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, इस दुनिया की कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ में अति नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। तो उनकी नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है? यहाँ मैजिशियन की एनर्जी है, आप देख सकते हैं। यहाँ एम्प्रेस है, फैमिली है, तो आप एक मैरिज मटेरियल हैं। डेफिनेटली आप एक पावरफुल पर्सनालिटी हैं, अच्छे मैनिफेस्टर हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेस हैं कि आप सब कुछ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट है, बहुत उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में हैं। आप जो भी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी चाहें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आप में इंटेलेक्चुअल पावर भी है, यानी क्लियर क्रिस्टल थॉट्स हैं आपके, जो चाहें उस थॉट्स के अकॉर्डिंग अपने इंटेंशन सेट कर सकते हैं, और इंटेंशन सेट हो गए तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। तो आप बहुत ग्राउंडेड हैं, मदरली नेचर है, नर्चरिंग केयरिंग आपकी डेफिनेटली पर्सनालिटी हो सकती है। चाहे मेल है फीमेल है, डजेंट मैटर, आप मेल भी हैं तो भी आप मैनिफेस्टर हैं। आप जीवन में जो कुछ चाहें इजी वे में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके थॉट्स क्लियर है, आपकी फीलिंग्स क्लियर है, और किसी भी काम को करने में आपकी इंटेंशन जो है बहुत प्योर है, जिसकी वजह से चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। क्योंकि लेट गो भी करना आपको आता है यूनिवर्स की तरफ, और जब चीज़ें आप लेट गो करते हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। इसीलिए ये पर्सन आपको पावरफुल पर्सनालिटी मानते हैं, क्योंकि जितना आप इस 3D वर्ल्ड में डोमिनेटिव हैं, जितना आप पावरफुल इम्पैक्ट लोगों पे डालते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो पर्सनल लाइफ हो आपकी, आपको देखना है कि आप कहाँ हैं। आप अगर काम करते हैं तो वहाँ भी आपकी छाप होगी, अगर आप काम नहीं करते हैं तो घर पे आपकी छाप होगी। मीन्स घर पे आप डोमिनेट करने वाले हो सकते हैं, पावरफुल इंसान हैं, घर में भी लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं। इसीलिए ये पर्सन आपकी वैल्यू बहुत करते हैं, लाइक कि मैजिशियन की एनर्जी, जिसके पास सब कुछ है। एक लाइक का एक होता था ना, वो अलादीन का चिराग, वो अलादीन जो उसके पास जो चिराग से कुछ भी मांगे तो वो मिल जाता है, वैसे ही मीन्स आप जो कुछ चाहें आपको मिल सकता है, ये वो जानते हैं। आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं, एंड बहुत ही रियलिस्टिक हैं। रियलिस्टिक मीन्स ग्राउंडेड हैं आप, और किसी भी गोल को पाने के लिए उतने ही ज़्यादा एम्बिशियस हैं। चैलेंजेस कितने भी हो, आपके पास सारे सॉल्यूशन हैं। कुछ भी हो जाए आप गिव अप नहीं करते हैं। घर में आप लाइक अ मदरली या फादरली वाइफ से केयर करना जानते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपके लोगों के साथ, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या फिर बाहरी लोग हो, बहुत कंपैटिबल होती है। लोगों के चीज़ों को आप अच्छे से समझते हैं, उसकी साइकोलॉजी को आप अच्छे से समझते हैं, जिसके वजह से लोग आपके साथ कंफर्ट फील करते हैं। ग्राउंडेड होने की वजह से आप ज़मीन से जुड़े हुए इंसान बोलते हैं ना, आपके पास कितना भी कुछ है लेकिन फिर भी आप धरती से जुड़े हुए इंसान हैं। घमंड नहीं है आपको, और एनर्जी तो बहुत है। खुद के ऊपर आप फोकस भी हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी आप खुद के ऊपर फोकस भी होते हैं। मीन्स अपनी केयर करना नहीं भूलते, जिसमें आपकी ब्यूटी भी है,
जिसमें आपकी पर्सनालिटी भी है, आप जो भी पहन लेते हैं, जैसे भी आप रहते हैं घर में या बाहर, उसी में आपकी सेंसुअलिटी झलकती है, उसी में आपकी ब्यूटी झलकती है। बोलते हैं ना कि सरलता ही सरलता, या जितना भी मतलब सादगी ही सुंदरता का रीज़न आप में। आप सादे भी रहते हैं, मीन्स आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करते, सिंपल भी रहते हैं, तो सिंप्लिसिटी ही आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करती है, इम्ब्रेस करती है, और आप बहुत सेंसुअल हो सकते हैं, मीन्स अट्रैक्टिव, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या बहुत ही इजी वे में, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस आपके पास बहुत है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चैलेंज को लेने के लिए, चाहे वो घर के मसले हो या फिर बाहरी मसले हो, आप अगर उसमें घुस जाएं तो आप जो है लोगों को अपना पावर ज़रूर दिखा दें कि आप कौन हैं। लोग आपको रिकग्नाइज ज़रूर करती है, लोगों में आपके नेम फेम भी हो सकते हैं, पॉपुलैरिटी हो सकती है, लोग आपको फॉलो करते होंगे, बहुत फॉलोअर हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो जितना रेजोनेट करें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता देना चाहती हूँ कि जैसे आपसे रेजोनेट करें वैसे ही आप लें, चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं, यहाँ नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो प्री एम्प्रेस की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोग अनमैरिड होंगे और बहुत सारे लोग मैरिड भी होंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? अनमैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, वर्किंग भी हो सकते हैं एंड हाउसवाइफ भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन एक मैरिज मटेरियल आपको देखते हैं और वैल्यू इसीलिए करते हैं क्योंकि आप जो हैं किसी भी काम को करते हैं, चाहे वो घर का काम हो, घर को संभालना हो या घर को ऑर्गेनाइज करना हो, या फिर आप बाहर ही क्यों ना काम करते हो, वर्किंग हो, लेकिन आप अपने लाइफ में स्टेबल हैं, फाइनेंशली भी स्टेबल हैं एंड हर एक वे में आप स्टेबल हैं। आप में, आपसे लोग अट्रैक्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि आप में टैलेंट है, आप टैलेंटेड इंसान हैं, और एम्बिशियस तो मैंने डेफिनेटली कहा कि एम्बिशियस है, तभी तो आप स्ट्रैटेजिक बना के आप उस गोल को अचीव करते हैं। आपकी वैल्यू उनकी नज़रों में यह है कि आप बहुत क्रिस्टल क्लियर हैं, जो चीज़ें नहीं जो चीज़ें आपको ज़्यादा दिन सर्व नहीं करती है आप छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको क्रिस्टल क्लियर रहना पसंद है, मीन्स लाइफ में क्लियरिटी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो सकता है, बातें करना, या आपका जो इंटेलेक्चुअल पावर है बहुत आपके पर्सन को पसंद आता होगा, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास होता होगा। एडवाइस आप जो देते होंगे उन्हें बहुत ही क्लियर वे में देते होंगे, जो उन्हें अंडरस्टैंड होता है, और आपकी जो कैपेसिटी है पेशेंस करने की, पेशेंस, धैर्य, जो सब में नहीं होता है, ग्राउंडनेस, हार्ड वर्किंग, तो आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी हैं। देखते हैं वो आपको, जब भी वो देखते हैं तो वही मानते हैं कि आप लाइक अ वाइफी मटेरियल हो, कि जैसा वो पार्टनर ड्रीम में देखते थे वैसे ही हो, एक पेशेंसफुल इंसान हो, हार्ड वर्किंग इंसान हो, और बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड हो, सबके साथ आप जो है बोले ना, सबके साथ आप बहुत कंफर्टेबल होते हो, चाहे आप घर में रहो चाहे आप बाहर रहो, इसीलिए लोग आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोग जो है आपकी तरफ एडिक्टेड फील करते हैं, ट्रैप्ड फील करते हैं, उन्हें नहीं पता है कि आपकी क्या एनर्जी है, लेकिन लोग जो भी आपके संपर्क में आते हैं, चाहे वो घर के लोग हो, आप घर में रहें तो घर के जो लोग हो, या बाहर आप जब भी मिलते हैं किसी से भी, अपने पर्सन से भी मिलते हैं, तो वो ट्रैप्ड फील करते हैं, और वो ट्रैप्ड इसीलिए फील करते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी काम, कूल एंड हैप्पीनेस से भरी हुई है कि पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे बातें करते रहें, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बातें करने में ही वो ट्रैप्ड फील करते हैं। कभी जब वो इमोशनली आपसे कुछ चीज़ें शेयर करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है आपको छोड़ के वो कभी कहीं जाए ही नहीं, इमोशनली
इमोशनली जो है आपकी तरफ कोडिपेंडेंसी का शिकार हो जाते हैं। जब भी वो चाहते हैं कि उनकी दुनिया आपके बिना क्या होगी, फियर हो जाता है, डर हो जाता है आपके बिना तो कभी भी वो स्टेबल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी एनर्जी स्टेबल वाली है जो उस जो आपके पर्सन को बहुत स्टेबल फील कराती है। विदाउट आपके वो डेविल फील करते हैं, फियरफुल हो जाते हैं, उनका लगता है कि आपके बिना जीवन कुछ भी नहीं है। इस हद तक वो आपके एनर्जी में ट्रैप्ड फील करते हैं, इस हद तक उन्हें ऐसा लगता है कि जितना प्यार वो आपसे करते हैं या फिर जितना अट्रैक्शन वो आपकी तरफ फील करते हैं वो किसी के साथ भी फील करते ही नहीं है, करते ही नहीं, उन्हें आपके सिवा कोई और नज़र आता ही नहीं है। एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ट्रैप्ड फील करते हैं, चाहे वो फिजिकली वो ड्रॉन, एक मैग्नेटिक ड्रॉन फील करते हैं, और चाहे वो इमोशनली कोडिपेंडेंसी का आपकी तरफ शिकार हो जाते हैं। मीन्स आपने उन पे ऐसा जादू डाला रे, वही है पूरी तरह मैजिशियन एंड द डेविल हावी हो जाते हैं आपके पर्सन पे। यानी आपको आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझ सकते हैं, आपको कितना पावरफुल इंसान समझते हैं, कितना पावरफुल पर्सनालिटी है कि जिसके भी ऊपर आपका इम्पैक्ट पड़े वो ट्रैप्ड हो जाते हैं आपके, आपसे वो अलग होना ही नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पे। एंड ये पर्सन आपको किसी भी कीमत पे पाना चाहते हैं, बाय हुक बाय क्रुक, किसी भी कीमत पे, क्योंकि पैशन भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है एंड आपकी बातें भी उन्हें, आपकी बातों में भी इतना जादू होता है कि ये पर्सन को लगता है कि बस सुनते रहें। आप उनकी फैमिली को, उनकी दुनिया को कंप्लीट करते हैं, इसीलिए आपकी वैल्यू करते हैं ये पर्सन। अगर किसी के साथ उन्हें फैमिली बनानी है, अपने बच्चे क्रिएट करने हैं, किसी के साथ उन्हें मैरिज करना है, तो वो आपको ही देखते हैं, अपना बेटर हाफ, अपना बेटर हाफ वो आपको ही देखते हैं, आपसे ही वो चाहते हैं, आप में वो सारी चीज़ें। अगर आप मिल जाए तो उनका ड्रीम कम ट्रू। नाइन ऑफ कप्स, यहाँ टेन ऑफ कप्स की एनर्जी, इस दुनिया में उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, आप मिल जाओ बस उनकी दुनिया कंप्लीट हो गई, फुलफिल हो गई, आपके साथ इस जीवन के साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसीलिए आप उनकी दुनिया हो, बेटर हाफ हो, आप उनकी अर्धांगनी, अर्धांगनी मिस आधा जो पार्टनर का जो बोलते हैं, अर्धांगनी बोलते हैं या बेटर हाफ ही वो मानते हैं, इसी के वजह से वो आपकी वैल्यू बहुत है। वैल्यू एक ही कार्ड मैंने बोल दिया कि एक ही कार्ड काफ़ी है, लेकिन फिर भी मैंने ले लिए क्योंकि सारे कार्ड मैजिशियन की एनर्जी ही काफ़ी है, उस पर से भारी पड़ गए डेविल, ये मैजिशियन की एनर्जी और यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है जो ये दोनों इस कार्ड को इतना पावरफुल बना देती है। और उसका निगेटिव पार्ट अगर देखते हैं, डेविल मीन्स आपके बिना वो नहीं रह सकते, किसी भी कीमत पर नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते, आपकी सिचुएशन जो भी हो, लेकिन कभी आप किसको अपने माइंड में रख के इस रीडिंग को देख रहे, मैं ये नहीं जानती, लेकिन कभी भी आप पर्सनली जानने की कोशिश करें, नहीं रह सकते हैं। किसी की इन्फ्लुएंस भी होंगे तो भी वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड निगेटिव एनर्जी को भी इंडिकेट करता है और लव रीडिंग में पॉजिटिव को भी इंडिकेट। पॉजिटिविटी किस लिए? क्योंकि वो आपको छोड़ेंगे नहीं वो आपको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहते हैं, और अगर किसी भी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी है तो भी इस पर्सन की नींदें और रात
कंटिन्यूसली आप ही इनके माइंड में चलते हैं। इनके जीवन में आज भी 99% आपने ही इनके थॉट पे, इनकी फीलिंग्स पे कब्जा जमा के रखा है। यहाँ हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, जहाँ रेस्पेक्ट को इंडिकेट करता है, जहाँ सीक्रेट को इंडिकेट करता है, जहाँ मिस्ट्री को इंडिकेट करता है। तो आपके पर्सन, क्योंकि ये रेस्पेक्ट है, विस्डम है, विस्डम, तो यहीं से समझ जाइए कि आपकी वैल्यू क्या है। और हाई प्रिस्टेस लाइक सेक्सुअली भी अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि यहाँ फोर ऑफ वैंस भी है, 11-11 है, तो डेफिनेटली ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो अगर आप इसकी इस जर ये जर्नी है, तो डेफिनेटली ये डेविल आए हैं, तो आपका प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं बीच के सेपरेशन पीरियड से गुजर रहा होगा, जहां ऑब्सेशन है, जहां कोडिपेंडेंसी है, जहां एक दूसरे के प्रति मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, जहां मैरिज चाहते हैं लेकिन कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये आपकी क्या वैल्यू है, ये आपके बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप बहुत विस्डम, स्पिरिचुअल विस्डम से भरे हुए इंसान हो और बहुत ही स्पिरिचुअल हो, मीन्स स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका ज़्यादा हुआ है, बहुत इंट्यूटिव हो, उनकी दिल की बातें ऐसे ही पढ़ लेते हो, एंड बहुत सीक्रेटिव भी हो, मिस्टीरियस भी हो, क्योंकि ये आपको पढ़ नहीं पाते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं, आपके पर्सन नहीं पढ़ पाते हैं। फोर ऑफ वैंस की एनर्जी है, तो जहाँ ये आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं, वहाँ आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, अपना बेटर हाफ मानते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, जो इसी बात को इंडिकेट करती है कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं। बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी देखते हैं, इंडिपेंडेंट एनर्जी देखते हैं, कि आप अपने लाइफ में, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके लिए तो लाइनें लग जाएगी, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशली, इमोशनली, एंड बहुत ग्राउंडेड हो, और ये पर्सन आपकी तरफ फोकस है और चाहते हैं कि आपके साथ मैरिज करना चाहे किसी भी कीमत पे, शादी करनी है, और वो इसलिए करनी है क्योंकि वो इस प्यार को खोना नहीं चाहते हैं, वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, एंड चाहते हैं कि आप उनकी डेस्टिनी बनो, क्योंकि आप में सारे गुण हैं, सर्वगुण संपन्न आप पर्सन हो, इसी के वजह से आपकी वैल्यू पेडलिस्टिक पे है। ये क्लियर मैसेज मैंने दे दिया, मैजिशियन, मैंने पहले भी बता दिया, दो कार्ड काफ़ी है, लेकिन आपकी वैल्यू उनके सर पे है, सर का ताज हो आप। कहेंगे मैम क्या बोलिए, डेफिनेटली अगर इस कार्ड को रीड करके कुछ मुझे बोलना है फाइनली, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपकी वैल्यू अपने सर पे रखते हैं, मीन्स आपको पेडलिस्टिक पे बिठाते हैं, ये है वैल्यू। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हो, एनर्जेटिक वे में, पैशनेट वे में, एंड इमोशनल वे में फुलफिल फील कराते हो, एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, एंड स्पिरिचुअली तो आप दोनों से एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं, यानी मेड फॉर ईच अदर हैं, इसीलिए आपको अपना बेटर हाफ मानते हैं, एंड इसीलिए इंट्यूटिवली कनेक्टेड हो, चाहे आप दूर रहो या पास रहो। तो ये आपको अपनी क्वीन मानते हैं और सर पे पेडलिस्टिक पे बिठा के रखते हैं, और अगर आप मेल व्यूवर्स हैं तो ये आपको अपना एम्परर, किंग मानते हैं, किंग नहीं है, एम्परर की एनर्जी है, और यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है, लाइक अ फादरली और मदरली, बट आपको अपने बच्चों के फादर मानते हैं आपके पर्सन। और अगर आप मेरी फीमेल व्यूवर्स हैं और जिसे भी माइंड में रख के इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो वो पर्सन आपको अपने बच्चों की मम्मी मानते हैं, बच्चों की माँ मानते हैं। तो इतना अब आपको मैंने क्लियर बता दिया है। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी, फिर से मैं इस रीडिंग को लाऊँगी, शॉर्ट करूँगी, तो मैं और कार्ड्स निकालूँगी। तो ज़रूर इस एनर्जी को बैलेंस करें, लाइक करके, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, किसी की हेल्प करना चाहें तो,
एंड बेल आइकन जरूर हिट कर लेंगे जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच, मैं लाइव रीडिंग जरूर लेके आऊँगी जो मैं लाइव वे में करूँगी। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में।